नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई और दिव्य चर्चा में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आज से हम लोग सर्वविज्ञान, जो भारतीय परंपरा की एक अनूठी विद्या है, इसके विषय में हम बात करेंगे। यानी कब कौन सा काम करें, इस नासिका से श्वास चले फिर कौन सा काम करें, इस प्रकार की बातें। और सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सर्वविज्ञान है क्या। तो स्वर विज्ञान जो है, स्वर शास्त्र प्राचीन भारतीय ऋषियों मुनियों के द्वारा दिया गया योग का एक अद्भुत उपहार है, जो हमारे शरीर और मन पर तीव्र गति से असर करता है। यह रोग मुक्त करने के लिए तथा मानसिक संतुलन एवं व्यवहारिक दुनिया में संघर्ष के योग्य बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि योग के सीक्रेट फार्मूले की ओर बहुत लोगों को ध्यान नहीं गया। यह प्राणायाम का ही एक प्रकार है, जो श्वास यानी स्वर को पकड़ कर कार्य करता है और धीरे धीरे आपके जीवन को बदल करके रख देता है। स्वर विज्ञान को अल्प ज्ञान में हम लोग काफी सारी दैनिक समस्याओं से बचा सकता है और निरंतर अभ्यास करें तो हम योगिक स्तर पर जा सकते हैं। श्वसन प्रक्रिया हो सकता है कि हमारे लिए बिना प्रयास के लिए आने जाने वाली एक सामान्य सी क्रिया हो। शरीर की अधिकांश क्रियाओं के लिए हमें शायद प्रयास नहीं करना पड़ता, या कई क्रियाओं के लिए प्रयास करना भी पड़ता है। शरीर को श्वास के प्रति हम सचेत हो या ना हो, हृदय की धड़कन की तरह श्वास भी अपने आप निरंतर चलती रहती है। श्वास के साथ हमें प्राण वायु हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी वो मिलता रहता है। हम लोग साइंस बैकग्राउंड से करें या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो श्वास के साथ आने वाली ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाती है और वह जो है रक्त कोशिकाओं उससे ऑक्सीजन लेकर के हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। लेकिन श्वास का काम ही समाप्त नहीं होता। योग में श्वास एक अलग अंदाज में प्राण कहा गया है। श्वास लेने की विधि में व्यक्ति स्वस्थ एवं रोगी दोनों होने का राज छिपा है। सही समय में सही मात्रा में श्वास लेने से व्यक्ति रोग से बच सकता है, रोग मुक्त हो सकता है। योग की तरह ज्योतिष में भी स्वर के प्रकार नासाग्र से निकलने वाली शक्ति को इड़ाबाई नासिका, पिंगलादाई नासिका अथवा दोनों को जब एक साथ चलती है सुषुम्ना को लेकर के भी फलादेश किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, खास करके महाराष्ट्र में हमने बहुत ऐसे देखे, जो आप प्रश्न शास्त्र जब पूछते हैं, जब प्रश्न पूछते हैं उनसे, हमको ये जानना तो पूछते हैं अपना नाक बताओ कौन सा स्वर चल रहा है। तो उस समय वो लोग फलादेश में भी इसका ध्यान देते हैं। तो यानी कि आपके जीवन में भी इसका असर तो है, और जब आपके जीवन में आपके गुण अवगुण में ये असर डालती है तो फिर एक आदमी, एक व्यक्ति, एक साधक क्यों इससे अछूता है। तो यह जो स्वर विज्ञान है, यह खाली एक योग शास्त्र नहीं है, यह खाली एक योग विधा नहीं है, ये आपके सर से लेकर के पांव तक असर करती है। लेकिन साधारण लोग इस रहस्य को नहीं जानते। हम लोग श्वास की बात करें तो श्वास क्या है? श्वास प्राण वायु है, आपके जीवन प्राण है। जिस व्यक्ति के अंदर श्वास नहीं है वो तो सौ के समान है। इसीलिए शास्त्र कहता है श्वास शिव है और बेरहित या बिना श्वास के जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है? सौ हो जाता है। इसीलिए अपने प्राण वायु को समझिए। चंद्र स्वर आपका बायां दाहिना सूर्य स्वर है, इन दोनों को एक्टिव करो। सबसे पहले चंद्र और सूर्य को एक्टिव करो, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी एक्टिव करो। कई लोग इसे चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम के नाम भी देते हैं कि दोनों को ठीक करो, दोनों को सक्रिय करो। आप प्राणायाम कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही तो उसका एक ही काम है कि स्वर विज्ञान को समझो। तो कैसे करना है इन दोनों को एक्टिव, तो आइए हम लोग इसी पर चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। तो देखिए, जब आप प्रातः काल उठते हैं, उठने के बाद आप अपने पूजा पाठ करने से पूर्व आप
नाम जप करने से पूर्व, साधना करने से पूर्व, ध्यान करने से पूर्व आपको अपने सूर्य और चंद्र दोनों स्वर को ठीक करना है। करना कैसे है? तो जैसे उठते हो आप फ्रेश हो जाइए, अगर आप नहा सकते हैं, स्नान इत्यादि कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले बाएं नाक को बंद करना, अगर सर्दी का महीना है तो बाएं नाक को पहले बंद करना, अगर गर्मी का महीना है तो दाहिने नाक को पहले बंद करना है, क्योंकि बाई नाक जो है वह चंद्र नाड़ी जो शीतल है, दाहिना जो वह नथुना है वह सूर्य नाड़ी जो गर्म है। तो जो मौसम जैसा है उसी मौसम के अनुसार कार्य करना, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी है तो आपको बाएं नाक से शुरू करना, अगर सर्दी दाहिने नाक से शुरू करना। तो अपोजिट अगर मान लो भी जैसे हम करें ठंडी का महीना है थोड़ा, तो हम बाएं नाक को बंद करें, दाहिने नाक से लगातार सांस को खींचना बाहर, खींचना बाहर, खींचना बाहर, जैसे हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, लेकिन इसमें एक ही नाक से रोकना है, एक नाक को रोक कर रखना, दाहिने नाक से कंटिन्यू श्वास खींचना छोड़ना है, श्वास खींचना छोड़ना है। कम से कम 5 मिनट करने के बाद, अगर आप थक जाते हो 1-2 मिनट बाद रुक जाइए, कम से कम 3 सेट कीजिए। उसके बाद आपको बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से श्वास को खींचना है, और फिर दोनों हाथ से नथुनों को बंद करके पेट में श्वास को रखना है। जब आपसे ना सहा जाए तो धीरे धीरे उसी नाक से छोड़ना है, दाहिने से लियो तो दाहिने से छोड़ना है। तो इस क्रिया को आप कम से कम 3 सेट कीजिए, 5 मिनट 7 मिनट कम से कम कीजिए। फिर आप अपोजिट में बाएं नाक से इसी क्रिया को दोहराइए। जब आप इस क्रिया को बाएं नाक से दोहराओगे तो देखोगे थोड़ी देर में आप सांस को दाहिना नथुना दबा लिए, अब बाएं श्वास को भरना है छोड़ना है, भरना है छोड़ना है। उसके बाद फिर खींच करके आप कुंभक प्राणायाम जिसको बोलते हैं, पेट में श्वास को भर के रोके रहेगी, जैसे थोड़ा सा आपको असहज हो तो धीरे धीरे उसी नथुने से छोड़ना है। इतना धीरे छोड़ना है कि अगर सामने कुछ पाउडर भी रख दिया जाए तो वो उड़े ना, इतना धीरे छोड़ना है। इससे आपकी श्वास की रिदम बढ़ेगी, आपके फेफड़े लंग्स सब काम करेंगे, और देखोगे धीरे धीरे आप जैसे 1 महीना करके देखना, 1 महीने के बाद अगर आपका जीवन नहीं बदल जाए तो हमसे आप कमेंट करके बताना, आप खुद बोलना कि आप गलत हैं। और हमें विश्वास है जिस दिन आपने 1 महीना इसको कर लिया, आप खुद आओगे और खुद कमेंट करोगे कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ये कोई साधारण खेल नहीं है, ही स्वर विज्ञान। जब ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे तो अपने आप आपके दोनों श्वास सुषुम्ना ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी और आपका जीवन बदल जाएगा। तो यह बहुत गुप्त और रहस्यमयी विद्या है, इसे नाना प्रकार के नामों से नवाजा गया है, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो इन सब चीजों को छोड़ करके सहज रूप से सरल आसान भाषा में बताया हूँ, हमें विश्वास है चर्चा समझ में आई होगी, समझ में आए तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।